救我！快乐多，快乐。मैं हूँ। अरे तो रात को क्यों रो रहे हो? फिर से गिला कर दिया क्या? फिर से नहीं, अब मैं रात को सुसु करके सोता हूँ। वो तो रो रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत डरावना सपना देखा। ऐसा क्या हुआ सपने में? बेइज्जती हुई मेरी। मैं पहला बंदा हूँ जो अपने सपने में भी बेइज्जती करा लेता हूँ, पिटता हूँ। गुगली, तुम्हारे सपने में तो मेरी इज्जत है ना? मैं तुम्हारा सपना क्यों देखूंगी? देखना ही है तो मैं सलमान खान का सपना ना देखो। अब वैसे एक बार आप मेरे सपने में आए हो, पता है आपको जेल हो गई और मैंने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरे दो छोटे छोटे बच्चे भी है चुंगो मुंगो। तुम्हारे सपने वाले पति देव का नाम जान सकता हूँ मैं? उन्होंने ना 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। 83 में कहाँ से वर्ल्ड कप आ गया? लगान कब रिलीज हुई थी? 2001 में। वही तो, इंडिया में तो क्रिकेट लगान के बाद शुरू हुआ ना, 83 में फिर वर्ल्ड कप कैसे जीत लिया? चलो जो भी है, शुक्र है सपने में कपिल देव जी तो नहीं आए ना, बस ये मेन है। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें टेरो कार्ड दीदी के पास लेके चलती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हम अच्छा, उसके पास जाने से अच्छा तो मैं कीचड़ में गिर जाऊँ। कीचड़ में? हाँ। वो कैसे? क्योंकि कीचड़ घर के पास ही है, वो है बहुत दूर। मैं उसके पास नहीं, उसके गुरु के पास लेके जा रही हूँ। पता है वो बहुत शक्तिशाली है। अच्छा। हर बीमारी का इलाज है उसके पास। तो पहले क्यों नहीं लेके गई तुम उनके पास? क्योंकि वो खुद बीमार थी, अब वो ठीक हो गई है। चलो हम उसके पास चलते, चलो। अरे यार, बहुत मस्त है वो एकदम। चलो नाश्ता फिर वहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो खिलाएगी आपको। ये कहाँ ले आई हो? स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर है, सड़क किसी ने बनाई नहीं है यहाँ पे। अच्छा हम साइकिल पे नहीं आए। ये कब्रिस्तान है। अरे वीजा तो हमने लिया ही नहीं यहाँ का। अरे फॉरेन कंट्री थोड़ी है जो वीजा लगेगा, यहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं, मुर्दे। ओ हाँ, अभी ना 12 बजने वाले हैं, अभी ना तांत्रिक उल्लू आंटी आती होगी। अच्छा जाग उठा शैतान, भागो भागो भागो। रुको शैतान वतान कोई ना हूँ। अरे सोफा कम बेड का दरवाजा बंद कर दो। अरे तेरे से आंखें नहीं मिलाई जा रही, हाइट छोटी पड़ रही है तेरी, ठहर जा। हेलो 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 हेलो, आपके डर को और बढ़ाने, आपकी रातों की नींदें उड़ाने हो गई से तुम्हारी उल्लू। हेलो प्रोफेसर LBW। हाय, आप तो अंतर्यामी, आपको तो मेरा नाम भी पता है। ओ वाओ, के वाओ, अंतर्यामी वंतर्यामी कुछ नहीं हो रही हूँ। रैम मेरे पे जियो का सिम है, जब भी मुझे टाइम मिले ना मैं बैठ के बस मोबाइल पे सारा ही प्रोग्राम देखूं। ओ, ओ, यहाँ मेरे पास आ। आया। वैसे तू और मैं पास में बैठेंगे ना तो लोग यूं ही कहेंगे कि तू ना मेरा लड़का है तू। अरे वो कैसे? वो ऐसे कि शक्ल से तू उल्लू का पट्टा लग गया है। एक मिनट, एक मिनट, बैठी आप बैठी, एक मिनट। मैडम इधर आइए, मैं आपको अभी मिला। हाँ। हमारी कोई ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई। हाँ। मैंने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। हाँ। मैंने आपको ऐसा भी नहीं कहा कि माचिस में रहने वाली औरत। मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि रुमाल से सूट सिलवाने वाली औरत। मैंने ये भी नहीं कहा आपको कि 3 नंबर का चप्पल पहनने वाली औरत। फिर आप मेरे पे क्यों चढ़ रही हैं? ये क्यों मेरी बेइज्जती कर रही हैं? यही मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है। मैं कुछ कहता नहीं, लोग मेरी बेइज्जती करने लगते हैं। अरे ये कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, ये तो मैं अभी सॉल्व कर देती हूँ। स्पोर्ट शू पे पहनो लूंगी चुंगी। मैंने देखी है पिक्चर मदर इंडिया से लेके तुम्हारी सुल्लू। लोग क्या कहते हैं आपको? लोग कहते हैं मुझे देखते ही आ गई उल्लू, आ गई उल्लू। अल्लाह अल्लाह, एक मिनट एक मिनट, ये कौन सा मंत्र है ये? रबावड़ा या मंत्र मंत्र कोई ना था, ये हमारा थुक्का तेरा मुंह पे। तभी मैं कहूँ आपके मंत्र से गुटके की स्मेल क्यों आ रही थी? अब जरा बात सुनेंगे, प्रॉब्लम सुनेंगे उल्लू दीदी। देखिए जहाँ भी जाते हैं ना लोग इनकी इंसल्ट करते हैं कि मेरा मजाक उड़ाते हैं, जैसे उल्लू उड़ता है ना वैसे। ओए इसका तो मजाक ही उड़ाएंगे ना, शक्ल तो देख इसकी,
क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? ये तो खुद मेरा मजाक उड़ा रही है यार। ओए इधर देख, मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, अरे तेरा जमीर जगा रही हूँ बावड़े। मैं अपनी तीसरी आंख खोल लेती हूँ, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये समीर और जडेजा। ओहो प्रोफेसर LBW का मजाक उड़ा रहे हैं। एक मिनट, जडेजा को बना दूंगी प्रोफेसर LBW। ऐसा हो जाएगा? हाँ हो तो जाएगा, पहले मेरे पैसे निकाल फीस का। फीस ना, ये लो, ये है पर्स, इसमें से जितनी चाहिए ले ली। बहुत बढ़िया, जियो दन दना दन, होगी प्रॉब्लम सॉल्व, निकलो। और मुझे समीर, तुझे प्रोफेसर LBW से प्यार हो गया। कौन 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 बोला ये? कौन बोला ये? ये मैं बोला। अरे He's here again. The professor is here. Calm down, breathe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. क्या कह रहे थे आप? कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। आपको प्यार करने से पहले मैं खुद को तलवार ना मार दूं? मेरा प्यार इतना सस्ता नहीं है कि तलवार से काम चल जाएगा। तुमको तोप के आगे खड़ा होना पड़ेगा। हाँ जी, एक और दिन बचा है, वहां पर तोप के आगे भी खड़ा हो जाऊंगा मैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आइए, व्हाइल आई एम टॉकिंग विद यू, आप जैसी शिकायत यहां पर क्यों आई है? एक तो तुम्हारी ग्रामर में ही प्रॉब्लम है ना, शिकायत नहीं होता, शख्सियत होता है। आप और शख्सियत, शिकायत के नाम पे भी धब्बा है इंसान। यहां फिर से पहुंच चुके हैं भाई। शख्सियत वो होती है जो यहां पर आने वाली है। अच्छा, जो असली है यहां पर हमारे एक्सपर्ट। हाँ। जो ज्ञानी है, अंतर्ज्ञानी। क्या दबाया हुआ तुमने यहां पे? ये ऐसे करके दिखाऊं क्या फिर? ये वाला चाहिए? हाँ, लेकिन दोस्तों बड़ा दिन है, हमारे यहाँ पे बड़े एक्सपर्ट हैं जो पूरी तैयारी करके आए हैं। The ever cool, the dashing, give salt and pepper a different meaning. आपके लिए भी इतनी मैं तारीफ करूंगा बाद में, after the next Sunday is over. He's coming on the show. Give it up for the one, the only. क्या जज रहे हैं आज? The one, the only, Ajay Jadeja. There he is, यार. अब थोड़ा मजा आ गया. हाँ, किधर गए? ये क्या 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 हो गया अजय भाई? आप प्रोफेसर LBW बन गए? माई सेल्फ रिस्पेक्टेड प्रोफेसर LBW। देखो मैं अकेला नहीं बना, सारा हिंदुस्तान इनका फैन हो गया, तो मैं भी इनका फैन हो गया हूँ। अरे नहीं, मैं देखिए, आप मेरे फैन हैं, मेरे फैन बन सकते हैं, लेकिन मैं आपका फैन होने के नाते आप जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए खेलना पड़ता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप ज्यादा कह रहे हैं, आई एम जस्ट अ पूल ऑफ नॉलेज, दैट्स इट। फैन, आप फैन बोल रहे हैं, आपको सोच के शर्म नहीं आ रही कि आपका भी कोई फैन होगा यहाँ पर? आप जैसे मनुष्य आदमी अगर कहीं सड़क पे चल ले, बिल्ली रास्ता काटे, तो बिल्ली को एक्सीडेंट हो जाएगा, फैन बोल रहे हो आप? हाँ तो बिल्ली का एक्सीडेंट, एक आदमी इसका, ये तो कॉम्प्लीमेंट है ये तुम मुझे दे रहे हो, क्योंकि एक आदमी तो है मैनकाइंड की तरफ से जो बिल्लियों के लिए मनुष्यत लाता है, वरना तब तक बिल्ली रास्ता काट रही थी ना, मैं रास्ता काटता हूँ बिल्लियों को। मेरे को आपको थैंक यू कहना चाहिए मुझे इसके लिए। आइए सर, बैठिए बैठिए। आपको क्या प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनका फैन हूँ। इनकी इतनी नॉलेज है, क्रिकेट की इतनी नॉलेज है, क्या मतलब कौन सी बातें याद कराऊं इस शो पे, जब से मैं देख रहा हूँ क्रिकेट का इतना ज्ञान का भंडार है ये। अरे अभी देखिए, आज ये प्रोफेसर साहब बने हुए हैं, इनका तो कमाल हो गया इनके लिए तो। आज क्या क्या हो गया? सिग्नल से जा रहे थे, इनको किसी ने 5 रुपए दे दिए भिखारी समझ के। अर्निंग शुरू होगी ना इनकी, ये देखो तो क्या। तो ये कोई तरीका अर्निंग करने का, बेशर्म आदमी। हाँ तो बेशर्म वाली कोई बात नहीं है यार, ये तो अच्छी बात, कमाई शुरू हो गई है, जोरदार तालियां भाई, लाटरी लग गई। नहीं तो जडेजा जी, आपको ये आइडिया कहां से मिला मेरे जैसा बनने का? ये जियो धन धनाधन लाइव पे जब मैंने आपको देखा जी, और कपिल बाजी को देखा आपके साथ, वीरेंद्र सहवाग को देखा जी,
तो मेरा भी मन किया कि मैं भी आपके साथ आके बैठ जाऊं। आपने अपने आप को नहीं देखा क्योंकि उस वक्त आप तो लाइव आ रहे थे, तो कैसे देखेंगे? किसी का तो फैन हूं, नॉलेज ही इतनी है। मुझे लगता है कि इनको LBW वायरस की बीमारी लग गई है। जैसे आपकी शक्ल है, आप जरूर वायरस जो है मुंह से अपने छोड़ते होंगे। अच्छा, मैं वायरस में बासी दही नहीं हूँ जो मैं वायरस छोड़ू। वो भी हो आप। अरे मेरे को बासी दही कह रहा है यार। ओ गॉड, इतना आसान नहीं है इस दुनिया में विटी और इंटेलिजेंट होना। मैंने ये आप ये नहीं समझेंगे इस बात को। ये इस बात को ये नहीं। अभी यहाँ पे आए हैं, ये जेलस आदमी है। मैं यहाँ पे आप आए हैं, आप मेरे ही नाम का गुणगान करते रहेंगे, जागरण करते रहेंगे, क्रिकेट की बात भी करेंगे। जब देखो हर वक्त प्रोफेसर साहब ये बंद। ऐसे नहीं, ये वाला होता है प्रोफेसर साहब। लेट्स, और कौन बोलता है ऐसे? लेट्स डू सम क्रिकेट टॉक, लेट्स हैव सम। चलो मैं ही शुरू करता हूँ। आप शुरू करेंगे? हाँ जी। शो खत्म हो गया फिर, चलो यार। अरे यार, आज कोलकाता और हैदराबाद का मैच है। एक बात का जवाब दीजिए मुझे, कोलकाता और हैदराबाद का मैच है तो ये लोग क्यों खेल रहे आज? ये क्या सवाल हुआ भाई? ये सवाल है कोई? पेनल्टीमेट गेम। पहले मेरा आंसर गलत होता था, आज मैं सवाल पूछा तो मेरा सवाल भी गलत है। वाह, मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ इसका सवाल भी अब गलत होने लगा। इतने तुम पूछ लेना फिर, जवाब तो देने दो। हाँ, जवाब क्या है सर? देखिए, क्यों खेल रहे हैं? He's an expert. क्यों खेल रहे हैं? बताओ भाई, क्यों खेल रहे हैं? देखो, ये अच्छा खेलते हैं इसलिए खेल रहे हैं। जो लोग अच्छा नहीं खेले वो घर बैठ के जियो दन दना दन देख रहे हैं। सर, इनको भी देख रहे हैं। You got the answer. You understood the question. One more. एक और वजह भी है उसकी। सवाल देखिए कितना खास है। एक और भी है जी, कलकत्ता की टीम है, कलकत्ता में नहीं खेलेगी तो कहाँ खेलेगी? बम्बई में। बताओ यार, दिस इज अ रेयर डिजीज। इबोला वायरस के बाद अगर कोई वायरस डेंजरस है जो इस देश में घूम रहा है, इट इज द प्रोफेसर वायरस। और आज अजय जी जो है इससे बुरी तरह पीड़ित हो चुके हैं। लेकिन हम यहां पर इस शो को आगे बढ़ाएंगे, चाहे एक हो चाहे दो हो प्रोफेसर के साथ। बट इट इज द पेनल्टिमेट गेम ऑफ दिस वंडरफुल टूर्नामेंट। वन गेम टू गो बिफोर द बिग मेगा फाइनल। द कोलकाता नाइट राइडर्स टेकिंग ऑन द सनराइजर्स हैदराबाद, लाइव फ्रॉम द ईडन गार्डन्स इन कोलकाता। टॉस हो चुका है, KKR हैव वन द टॉस। और प्रथा यह है कि ऑपोजिशन को बैटिंग में डाल दिया है। दैट्स व्हाट दे बीन डूइंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बोथ द टीम्स हैव बीन प्लेइंग वंडरफुल क्रिकेट थ्रू आउट दिस होल टूर्नामेंट। और आइए देखते हैं द प्लेइंग 11 फॉर बोथ द स्क्वाड्स, बोथ द टीम्स राइट नाउ। KKR में सिर्फ एक चेंज है आज और तीन चेंजेस हैदराबाद में। माही नहीं खेल रहे हैं कोलकाता में। और हैदराबाद जो है लुकिंग गुड, लुकिंग स्ट्रॉन्ग। ब्रैथवेट, कुमार, राशिद खान, कॉल, अहमद, रिद्धिमान साहा और विलियमसन, शिखर धवन की बात करें तो भाई देव सेट दिस टूर्नामेंट अलाइव विद जस्ट द वे दे बीन प्लेइंग। लेकिन आज पूरा प्रेशर है सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर, क्योंकि वो लगातार चार गेम्स हारते हुए यहां पर आए हैं। अ टीम दैट फिनिश्ड राइट देयर एट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल, पर अब बहुत ही मुसीबत पे और खेल रहे हैं KKR के साथ, माने कि शेर की गुफा में है एट ईडन गार्डन, जहां पर वो हारते बहुत मुश्किल से हैं। लेकिन आज जीतना होगा एक टीम को, क्योंकि 27th यानी कि संडे को द बिग डेट फॉर द बिग मेगा फाइनल इज कमिंग ऑन योर वे। CSK के साथ कौन खेलेगा, KKR या सनराइजर्स? पता करते हैं हमारे एक्सपर्ट से, एक्सपर्ट जडेजा LBW से। जाट भाई, प्रोफेसर जाट भाई, ये क्या क्या लगता है सर? आज मैं थोड़ा सवाल पूछे से घबरा रहा हूं, पता नहीं आंसर क्या आने वाले हैं सर। ये वैसे पता होते हैं आपको? नहीं नहीं सर, वैसे पता नहीं होते आपके, आपको पता होते हैं। मुझे असली जडेजा को पता होते हैं, इसको पता है कि नहीं, ये हमें पता नहीं है। मुझे भी नहीं पता, पता नहीं आपको। चलिए फिर भी ट्राई करते हैं पूछने की। कोई साया है क्या है जिसको पता नहीं होंगे? क्या बात कर रहे आप? पूछे शूट शूट यू शूट यू नॉट हिट योरसेल्फ विद द बुक टुडे। प्रथा वो भी तो है ना, बुक से मारते हैं अपने आप को शुरुआत में। ये देखो, इट्स अ बैड डिजीज यार, इट्स अ रियली बैड डिजीज, आई एम टेलिंग यू, इट्स प्लेगिंग दिस सेट। मेरे मुंह से भी आवाज निकल रही है ऐसे। सर, स्पिन वर्सेस पेस, दो बेहतरीन टीम्स फिनिश एट द टॉप ऑफ द टेबल, KKR सनराइजर्स हैदराबाद। क्या लगता है आज के मैच में क्या होने वाला है? KKR विनिंग द टॉस और चेस करेंगे ईडन गार्डन्स में। देखिए, चेस करना सबको पसंद लगता है, चाहे गुगली के पीछे कोई चेस कर रहा है या बॉल के पीछे कोई कर रहा है तो चेस करना सबको पसंद है। और इस फॉर्मेट में सबको लगता है कि चेस करके बेटर होता है, क्योंकि आप जो बल्लेबाजी खिलाते हैं वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 6-7 बल्लेबाज खिलाते हैं 20 ओवर के लिए। जब 50 ओवर का मैच खेलते हैं तब भी आप 6-7 खिलाते हैं, तो कई बार यूज नहीं होते वो बल्लेबाज, तो उस लिहाज से चेज करते हैं। लेकिन जब से ये नॉकआउट शुरू हुआ है, जब से वो टीमें जो चली गई हैं जिनका काम नहीं था, तब से अब देखें प्रेशर में, तो जो पहले बल्लेबाजी की है ना उनका पलड़ा हमेशा भारी रहा है जी। लेकिन यहाँ पे मैं वो नहीं कह सकता, क्योंकि दूसरी तरफ है शाहरुख खान,
जब शाहरुख खान को एक तरफ रख दोगे तो पलड़ा कहां से दूसरे का भारी होगा। खासतौर से ईडन गार्डन्स पे जहां पर भाई आधा स्टेडियम भी फुल हुआ, आवाज इतनी आती है कि 5 स्टेडियम के बराबर आवाज आती है। प्रोफेसर साहब चलिए बैठे हैं तो पूछना पड़ेगा सर, व्हाट इज योर थिंकिंग सर, क्या लगता है आज आपको ये जो कांटे की टक्कर है, ये वन स्टेप क्लोजर टू द फाइनल है, दो बेहतरीन टीम्स, व्हाट डू यू फील सर, क्या होने वाला है? उसी का पलड़ा भारी होता है जिस तरफ वेट ज्यादा होता है जी। और अगर मैंने अभी खिलाड़ियों को तोला नहीं है कि इनका वेट कितना है, सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट, किसका पलड़ा भारी। आप तराजू पे दोनों टीमों को डालें, आपको पता चल जाए।